हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बाप, ये है क्वेश्चन नंबर 12 केमिकल काइनेटिक्स का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर स्पेसिफाइड है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। तो हमारा यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू के इन टू ए आएगा, बी की पावर तो जीरो है, बी तो आएगा ही नहीं, ठीक। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं इन फॉलोइंग टेबल। अब हमें एक चार एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जिसमें ए की मोलैरिटी, बी की मोलैरिटी दी है और उसके ऊपर रेट दिया हुआ है, ठीक। इससे ए की कंसंट्रेशन भी है, बी की भी है और रेट भी है, और हमें इनके ऑर्डर भी पता है। बी का ऑर्डर तो है ही जीरो, तो ए का ऑर्डर पता है, आर भी पता है, तो के की वैल्यू आ जाएगी रेट कॉन्स्टेंट पहले वाले एक्सपेरिमेंट से। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए मिसिंग है पर रेट तो दिया हुआ है, और रेट कॉन्स्टेंट हमने पहले ही निकाल लिया है। तो अगर हमारे पास रेट है और के की वैल्यू है तो हम ए की कंसंट्रेशन ये मिसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो, ए की वैल्यू है, रेट कॉन्स्टेंट तो कंसंट्रेशन से चेंज नहीं करता, रेट कॉन्स्टेंट पहले से ही है, और रेट फाइंड आउट करना है, हो जाएगा इसमें। नाउ दी एक्सपेरिमेंट फोर, उसमें ए की वैल्यू नहीं है पर रेट है और रेट कांस्टेंट पहले से ही निकाला हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम वन बाय वन करके ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये तीन मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और सबसे पहले हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट। अब आपको समझ आ गया। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, ठीक। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट किसके बराबर हुआ, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन और बी की पावर क्या है, जीरो, क्योंकि हमें दिया हुआ है इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो रेट जो है बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो बी की कंसंट्रेशन हम चेंज भी करेंगे रेट पे कोई असर नहीं होगा। अब पहला पार्ट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें ए की भी वैल्यू दी हुई है, रेट की भी दी हुई है, ठीक, बी की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आर इज इक्वल टू के इंटू ए है, तो के किसके बराबर हुआ, आर अपॉन ए, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी आर की, 2 × 10⁻², और ए कितना दिया हुआ है 0.1, तो रेट कॉन्स्टेंट आ गया, और रेट कांस्टेंट यहाँ पे ऑर्डर पता ही चल रहा है कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके यूनिट क्या होंगे, टाइम इनवर्स, और इसमें क्योंकि रेट जो है मोलैरिटी बाय मिनट है, तो रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ आ गया आपको। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन जो है वो मिसिंग है, ए की कंसंट्रेशन क्या है, मिसिंग। तो हमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो आर इज इक्वल टू के इंटू ए हो गया, रेट दिया हुआ है, के हमने पहले एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर लिया, और के जो है कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज करता नहीं है, तो आर है के है, तो यहां से हम किसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ए की, तो ए की मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई, 2 × 10⁻¹ मीन्स 0.2 मोल पर लीटर, मीन्स मोलैरिटी 0.2 मोलैरिटी हमारे पास आ जाती है इन दी सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अब हम करेंगे किसके लिए, थर्ड एक्सपेरिमेंट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट थर्ड लिया, एक्सपेरिमेंट थर्ड में रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हमारे पास आर किसके बराबर दिया हुआ है, के इंटू ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.2, रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻¹, यानी कि 0.2 हम लिख सकते हैं उसे, और मोलैरिटी ए की कितनी दी हुई है, 0.4, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस आ गया हमारे पास इस इंस्टेंट पे, मतलब जब हमने कंसंट्रेशन ए की 0.4 रखी, तो रेट कितना आया, 8 × 10⁻²⁻² मोल पर लीटर पर मिनट, समझ आ गई बात ये। अब अगला केस, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रेट है, रेट कांस्टेंट तो पहले से ही है, अब मिसिंग कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट लॉ एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, तो अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए की, जो कि कितनी आ जाती है, दैट इज 10⁻¹, मतलब 0.1 मोलर, रेट 2 × 10⁻², रेट कांस्टेंट 0.2, सिंप्लीफाई करोगे तो ए कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट कि आपको अपडेट्स जो हैं वो सारे मिलते रहें, जो भी हम
और चैप्टर्स के लिए काम कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहें. ओके, थैंक यू.